भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी द्वारा 24 नवंबर को एक बार फिर से बड़े आंदोलन की चेतावनी देने पर अनिल विज ने कहा कि सरकार सभी केस वापस ले चुकी है, अगर कुछ रह गए हैं तो उसका वो एग्जामिन करवाएंगे। नहीं, केस वापस ले लिए हुए हमने, कौन कह रहा वापस नहीं लिए? वो कुछ केस कोर्ट में है, कोर्ट वो है मामले, बाकी तो हमने सारे वापस ले लिए, फिर भी मैं दिखवाऊंगा कि कौन सा ऐसा रह गया। वहीं कांग्रेस के नव नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बयान कि सरकार सिर्फ नाम बदलने की सरकार है, काम की नहीं, पर अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वो नाम गिन के बता दें, वैसे ही बयानबाजी करते रहते हैं। वो नाम गिन के बता दें पहले, ऐसे बयानबाजी करने कि कितने नाम हमने बदले हैं। हम काम करते हैं, काम किए हैं, काम करते हुए अब तुमने सारे हिंदुस्तान का नाम इंदिरा नेहरू परिवार पे रख दिया, अब लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, तो प्रजातंत्र में तो लोगों की पसंद चलती है, तो इसलिए हम लोगों की पसंद के मुताबिक बदलने पड़ते हैं। गुजरात में कांग्रेस के नेता सोलंकी को टिकट देने से नाराज कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी मुख्यालय पर धावा बोलने पर एक बार फिर से कांग्रेस की आपसी कलह देखने को मिली, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि हिंदुस्तान का कोई भी कोना कांग्रेस धरातल पर जा रही है तो आपस में कपड़े फाड़े ही जाते हैं। देखो, गुजरात हो या हिंदुस्तान का कोई कोना हो, कांग्रेस धरातल में जा रही है, और जब धरातल में जा रही होती है तो आपस में कपड़े फाड़े ही जाते हैं। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी द्वारा सरकार को फिर से एक बार बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है, जिसमें चढ़ूनी ने चेतावनी दी है कि आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मामलों को अगर सरकार ने 24 नवंबर तक वापस न लिया तो एक बार फिर से बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें रेल रोको आंदोलन भी शामिल है। ऐसे में गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कहा है कि केस वापस ले लिए गए हैं, कुछ केस कोर्ट में लंबित है, फिर भी वो दिखवाएंगे कि कौन सा वापस रह गया है। सत्य खबर के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।